Thank you.
Thank you.
वृंदाय तुलसी सर्वै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवत्रे नमो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद क्रियाद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम कहते मेरे गुरुदेव का कुछ उपदेश है। गुरुदेव अंतिम समय में हर गुरुदेव शिष्यों के लिए कुछ उपदेश दे करके जाते हैं, उसी तरह मेरे गुरुदेव भी अंतिम समय में शिष्यों लोगों के लिए कुछ उपदेश दे करके गए। उसमें 31 करके उपदेश है, 31 उपदेश है। उसमें पहला नंबर जो उपदेश है, कहते जीवन में सद्गुरु प्राप्त होना ये बड़ी दुर्लभ वस्तु है, ये बहुत बड़ा दुर्लभ वस्तु। जीवन में हमें सद्गुरु मिले, क्योंकि नियम है गुरु जो बोलेगा हम तो वही करेंगे ना। अगर हमें सचमुच से भक्ति करने वाले गुरु नहीं मिले, गुरु तो बहुत रहता है, कोई योगी है गुरु, कोई कर्मी गुरु, कोई भोगी गुरु, तरह तरह का अलग अलग अपने संप्रदाय अलग अलग मार्ग, इसलिए गुरुदेव कहते हैं। लेकिन जो बद्ध जीव है इनके लिए जीवन में सद्गुरु मिलना बड़ा दुर्लभ वस्तु है, बड़ा दुर्लभ वस्तु है। लेकिन ये सद्गुरु मिलेगा कैसे? कहते जब तक हमारे हृदय में निष्कपट भावना नहीं हो, कहते तब तक जीव को सद्गुरु नहीं मिलता है। अगर सचमुच से हमें भक्ति करने का इच्छा है शुद्ध रूप में, फिर तो जीव को सद्गुरु की प्राप्ति होती है। इसलिए हृदय से भगवान को पुकारनी चाहिए, जैसे से ध्रुव महाराज जब उन्होंने भगवान को पाने के लिए एकदम उतावला हो गए हैं, भगवान को पाने के लिए किसी जानवर को भी देखे, कहते क्या आप मेरे कोई पद्म पलाश लोचन श्री हरि हो, जिसको देखे उसको आलिंगन करते, लेकिन उसको कोई मारते नहीं, उसको कोई काटते नहीं, क्योंकि उसके हृदय में कोई हिंसा उसके हृदय में नहीं। लेकिन जब उन्होंने निष्कपट रूप में प्रार्थना की, वैकुंठ में भगवान बड़े चंचल हो गए। लक्ष्मी बोली प्रभु आप इतने चंचल की हो, बोले एक मेरे एक छोटा नन्हा सा बच्चा वो कठोर तपस्या कर रहा है और मेरे को पाने के लिए एकदम उतावला हो रहा है। बोले प्रभु जाओ ना उसको दर्शन न दो। बोले मैं भी एक कंडीशन में बंधा हुआ। बोले आपको किसी फिर आपका किस कौन सा कंडीशन है, कौन सा आपकी ऊपर में शासन है? बोले मैं स्वयं बताए, जब तक जीव जीवन में सद्गुरु ग्रहण नहीं करता है, प्रथमं तो गुरुं पूज्यं ततश्चैव ममार्चनं कुर्वन् सिद्धिम् आप्नोति जनता निष्फल भवेत्। इसलिए मैं भी स्वयं प्रतिज्ञा में बद्ध हूँ, पर पहले गुरु जी की पूजा करनी पड़ेगी, उसको बाद में करे मेरी पूजा करना पड़ेगा। अब देखना हम यहाँ पर दो चरणा व्रत रहता है, वहाँ दो चरणा व्रत है ना, इसलिए नियम है जब ठाकुर जी की पूजा करते हैं सबसे पहले गुरु जी की पूजा करते हैं। गुरु जी की पूजा करते हुए गुरु जी से आदेश लेकर के नियम है फिर ठाकुर जी की पूजा करनी चाहिए। इसलिए जो व्यक्ति गुरु जी की पूजा किए बगैर कहते डायरेक्ट भगवान को पूजा करना चाहते हैं, कहते उसको पूजा निष्फल हो जाता है, उसका पूजा करने का कोई फल नहीं मिलता है। इसलिए बोले ना गुरु गोविंद दो खड़े काहे लाग पाऊं, बलिहारी श्री गुरु जी जो गोविंद देव।
इसलिए गुरुदेव जब उन्होंने भगवान बोले पहले गुरु जी के शरण में जाना पड़ेगा, तब उन्होंने क्या हुआ, फिर उन्होंने नारद जी को स्मरण किया, फिर नारद जी आए, फिर नारद जी को उपदेश दिए जाओ ध्रुव जी को तुम मंत्र दे करके आओ, लेकिन ऐसे नहीं, पहले उसको परीक्षा करना, उसको ठोक पीट करके देख लेना वो क्या सच मुझसे मुझे प्राप्त करना चाहता है, उसको अच्छे तरह से बजा कर देख लेना। इसलिए नारद जी आकर के बोले अरे ये कोई भजन करने का उम्र है, तेरे पिताजी तेरे लिए पागल हो रहा है, घूम तेरे को ढूंढ रहा है, तू कहाँ चला गया और तू यहाँ आकर के भजन करने में लग गए, ये अब तक खेल कूद करने का समय, अपना घर में वापस चले जा। इतने में उन्होंने पूछा आपका नाम क्या है, बोले नारद। बोले आपका नाम नारद है, हमने सुना नारद जी सबको भजने की उपदेश देते हैं, लेकिन आप कह रहे हो घर में वापस चले जाओ, कहते आया है तेरे दर पे हैं, कुछ करके छोड़ूंगा हैं, नहीं तो मर मिट के रहूंगा। इसलिए जब आपको भजन करने के लिए आए, जब आपका दर्शन सबसे पहले मिल गया, मेरे को ये दृढ़ विश्वास हो गया मेरे को जरूर भगवान में मिलेंगे ही, क्योंकि शास्त्र कहता है सिद्धि भवति वा नेति संशय अच्युत से बिना निसंशय च अत्र तत् भक्त परिचर्या रतात्मनः। कहते जो व्यक्ति डायरेक्ट भगवान की उपासना करते हैं, शास्त्र कहता है मैं उसको कोई गारंटी नहीं दे सकता हूँ वो मेरे को प्राप्त करेगा, लेकिन जो व्यक्ति मेरे भक्त की अनुगत्य में भजन करते हैं शास्त्र कहता है वो निश्चित रूप में भगवत प्राप्त करेगा, क्योंकि अपना मन मर्ज करेंगे ना, अपना मन में जैसे ऊंचा वैसे करेंगे, आज इसको पूजा कर लेंगे कल उसकी पूजा कर लेंगे, उस दिन उसकी पूजा कर लेंगे, उस दिन उसकी पूजा कर लेंगे, उसने बोला तो उसी पीछे भाग जाएंगे, उसने कोई बात बोला तो उसको पीछे भाग जाएंगे, फिर तो हमें सही मार्ग हमें नहीं मिलेगी। लेकिन जब शुद्ध वैष्णव का अनुगत्य करे फिर हमें वो सही मार्ग, लेकिन वो मार्ग होनी चाहिए कैसे, गुरु परंपरा होनी चाहिए, वैष्णव संप्रदाय के अनुरूप होनी चाहिए। ये चार वैष्णव संप्रदाय में कोई एक अगर शुद्ध वैष्णव परंपरा में आए शास्त्र कहता है वो जरूर मुझे प्राप्त करेगा ही, क्यों वो जो परंपरा ये मेरे से आई है, ये परंपरा मेरे से आई है। इसलिए गुरु जी कहते हैं बद्ध जीव के लिए जीवन में सद्गुरु प्राप्त करना ये एक बहुत बड़ा समस्या का विषय है, बहुत बड़ा समस्या का विषय है, लेकिन हृदय में निष्कपट रूप में अगर हमारी भगवान की चरण में प्रार्थना हो भगवत इच्छा से उसको सद्गुरु की प्राप्त होते हैं। अभी सद्गुरु मिले, अभी गुरुदेव हमें मंत्र प्रदान किया है, हरि नाम दिया है, गोपाल मंत्र प्रदान किया है, लेकिन अभी हम कर्तव्य अभी हमारी है, अभी हमारी कर्तव्य है। गुरुदेव तो कृष्ण मंत्र रूपी बीज को हृदय में बो दी, उसको आगे अभी हमारी काम है, इसलिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमें सावधान पूर्वक जैसे कोई अपराध नहीं हो जाए, कोई वैष्णव अपराध नहीं हो जाए, गुरु अपज्ञा नहीं हो जाए हैं, इसलिए सावधान पूर्वक अभी हमें साधन भजन करना पड़ेगा। इसलिए कहते ना साधु सावधान हेर कहीं कर अवधान, कहते साधु सावधान जैसे अपराध नहीं हो, इसलिए फेर कहीं कर अवधान, फेर में दो बार बोलता हूँ, अवधान मतलब सावधान होकर के श्रवण करो हैं, सावधान होकर स्मरण करो। बोले क्यों, बोले जैसे किसी गुरु वैष्णव के चरण में हमारे अपराध नहीं होने चाहिए। अब देखना हम लोग जब परिक्रमा हो जाता है, जय ध्वनि हो जाता है ना, फिर हम क्या करते हैं, हम सब वैष्णव को प्रणाम करते हैं। इसलिए नियम है सब वैष्णव से अपराध अगर अनजान जान में अपराध हो गया सबसे माफी मांग लेनी चाहिए,
अभिमान नहीं करनी चाहिए। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, जैसे किसी वैष्णव चरण में हमारी अपराध हो गया, जान और अनजान अपराध हो गया, जाकर के हमें माफी मांग लेनी चाहिए। अगर माफी मांग लिया तो वैष्णव लोग बड़े दयालु होते हैं, वैष्णव लोग बड़ी दयालु होते हैं, इसलिए उनके चरण में माफी मांग करके फिर अपना भजन साधन आगे धीरे 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 भजन साधन हमें करनी चाहिए। इसलिए देखो कि वैष्णव अपराध कितने खतरा है, ये बड़ा खतरा वैष्णव अपराध है, बड़ी खतरा है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं जैसे एक बाघ है, अगर उसको अंदर में मत वाला हाथी अगर प्रवेश कर गया तो सबके सब रोम डालता है, और सूढ़ में पकड़ करके ना उसका जड़ समेत उखाड़ लेता है। जैसे कोई पेड़ है अगर काट दो फिर दो बार उसमें शाखा आ सकती है, लेकिन जड़ से अगर निकाल दे तो कभी वो पेड़ फिर पेड़ होने का संभव ना। इसलिए महाप्रभु कहते हैं वैष्णव अपराध भक्ति जगत में ये सबसे बड़ा खतरा है, वैष्णव अपराध, हाँ वैष्णव अपराध। इसलिए श्रीमान महाप्रभु अपना माँ को भी उन्होंने माफ नहीं किया। महाप्रभु शिक्षा देते हैं, महाप्रभु जो प्रेम दे रहे थे वो सबको प्रेम दे रहे थे, अपना माँ को नहीं दिया। पूछे प्रभु अपना माँ को क्यों प्रेम नहीं दे रहे हो, माँ बाहर खड़ी है, बोले उसने वैष्णव अपराध किया है। बोले प्रभु किसको चरण में, बोले श्री अद्वैत प्रभु चरण में। बहुत बड़ी कोई अपराध नहीं है, क्योंकि महाप्रभु का बड़ा भाई जब संन्यास ले लिया, मैया के हृदय में तो कष्ट होता है, जिसको हमने जन्म दिया लिखाया पढ़ाया बड़ा किया, और जब बड़ा हुआ और हमारी सेवा करने का समय आया उसने संन्यास लेकर चला गया। इसलिए अद्वैत आचार्य के पास में ये पढ़ने जाते थे, तब उन्होंने इतने से बोल दिए कि बोले अद्वैत तारे द्वैत गरिमा, कौन उसको कहते हैं अद्वैत, अद्वैत मतलब सबको जो एकत्रित करके रखे, सबको एकट रखे। लेकिन मेरे बच्चे को उसने इसी मंत्र दिया, पता नहीं क्या ज्ञान दिया, और मेरा बेटा ही साधु ही बन गया। इसलिए मेरे द्वैत मतलब हमारे संसार को उसने अलग कर दिया मेरे बेटे को। कभी इतनी सी बात बोले तो उन्होंने महाप्रभु प्रेम नहीं दिया, बोले उनको माफी मांगना पड़ेगा। लेकिन देखो सच्ची माँ कौन है, ये भैया जसोदा, कौन है भैया जसोदा, भगवान की माँ है। उन्होंने अभिमान नहीं किया, अरे हम इतने बड़े भगवान की मैं माँ हूँ और मेरे को माफी मांगना पड़ेगा कहीं जाकर के, लेकिन उन्होंने कोई अभिमान नहीं किया। इसलिए उन्होंने कहे बोले अद्वैत चरण में, बोले तुम्हारे चरण में अपराध हो गया है, इसलिए महाप्रभु मुझे प्रेम नहीं देते। बोले कृष्ण प्रेम धन बिना मेरी दरिद्र जीवन, मतलब है अगर जीवन में हमें भगवान के चरण में प्रेम नहीं हो तो जीवन तुम्हारी दरिद्र है, तुम्हारे जीवन का कोई महत्व नहीं, क्योंकि जीवन का जो लक्ष्य है कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम ही जीवन का लक्ष्य है। इसलिए भगवान की माँ होते हुए भी उन्होंने गए, और अद्वैताचार्य सुनते ही उन्होंने तो नृत्य करते 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 बेहस हो गए, बोले माँ के कभी बेटे के चरण में अपराध होता है, ये तो जगत जननी है, जगत माँ है, हाँ मैया जसोदा है। जब उन्होंने बेहस हो गए, मेरे सच्ची माँ ने उनके चरण धो लिया, अपना बेटा का चरण धो लिया, हैं बेटा का चरण धो लिया। इसलिए फिर महाप्रभु क्या किया, फिर उनको प्रेम प्रदान किया है। इसलिए मेरे गुरुदेव कहते हैं हर समय वैष्णव अपराध से बचने के लिए कोशिश करना। इसलिए कदम मानसिक रूप में भी किसी वैष्णव चरण में अपराध हो जाए, मानसिक रूप में भी, तो गुरुदेव कहते थे एक समय श्री रूप गोस्वामी भजन कर रहे थे, भजन करते करते उनके हृदय में भगवान की एक दिव्य लीला प्रकट हो गई। दिव्य लीला प्रकट किया हुई, अभी राधा रानी रोज उसको चयन करने के लिए जाती है, रोज अपना सखियों को लेकर के फूल चयन करने के लिए जाते हैं। अभी राधा रानी जब रोज जाती है
कृष्ण से नटखट है। अभी कृष्णा वो आने से पहले कृष्णा आ गए, और जैसे देखना कोई फूल का पेड़ हो ना, पास पास का फूल तो तोड़ लेते हैं, लेकिन जो ऊपर का जो फूल है ना वो बेस रह जाता है। कृष्णा वो पेड़ में चढ़ करके उसकी टहनिया को उन्होंने एकदम दबा दिए तो बोले भैया यहाँ पर तो बहुत सारी फूल है। इतने में राधा रानी एक हाथों से टहनिया को पकड़ करके दूसरे हाथ से पुष्प चयन कर रहे थे। इतने में कृष्ण तो उसको टहनिया को दबा करके रखे थे, उनने धीरे 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 प्यार को अलग कर लिया। अलग करते ही तो राधा रानी को तो पेड़ पूरा ऊपर उठा लिया और राधा रानी लटकी गई। लटक करके बोले भैया मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ। बोले भैया ये अपनी आप टहनिया ऊपर कैसे उठ गया है? देखा तो वही नटखट बैठा है वो कृष्ण बैठे हुए। फिर कृष्ण नीचे आते हैं आकर के, फिर राधा रानी को पकड़ करके नीचे उतारते हैं। अभी ये लीला को देख करके ना श्री रूप गोस्वामी मीठी मीठी मुस्कुरा रहे थे लीला को देख करके, प्रभु जी लीला को। ठीक उसी समय में एक वैष्णव थे जिनका नाम था खंजर कृष्णदास। खंजर मतलब वो लंगड़े थे, वो जो चलते थे लंगड़े थे, हाँ लुढ़कते चलते थे। वो तो भजन अपना दिव्य लीला को देख कर मुस्कुरा रहे, लेकिन उनको ऐसे लगा शायद मेरी जो चाल है शायद लगड़े लगड़े चल रहे, शायद मेरे को देख करके ये हंस रहे। बोले ये इतने बड़े वैष्णव हो करके, इतने उन्नत साधु हो करके, और मेरी जो उन्नत साधु होते हैं वो शरीर को नहीं देखते हैं, उनके हृदय में परमात्मा रूप में जो भगवान बैठे हुए हैं वो उनको दर्शन करते हैं, और मेरे को देख करके ऐसे हंसी उड़ाए, दुखी होकर चले गए। तो इनके हृदय में जो भगवत लीला स्फूर्ति हो रही थी, स्फूर्ति बंद हो गया। तो उन्होंने बहुत कोशिश की लीला स्मरण करने के लिए, लेकिन हृदय में और लीला स्फूर्ति हो ही नहीं रहा है। तो उन्होंने छटपटा करने लग गए। फिर जा करके बड़े भाई सनातन गोस्वामी को बोले भैया ऐसे ऐसे बात है। फिर सनातन गोस्वामी को पता है भक्ति करते करते अगर किसी वैष्णव चरण में अपराध हो जाए फिर तो हृदय से ये लीला स्फूर्ति खत्म हो जाती है, हृदय सूख जाती है हृदय में, और सरलता नहीं आती है, क्योंकि भगवान कहते क्यों ये वैष्णव अपराध इतने खतरा है। बोले वैष्णव लोग करते हैं क्या? बोले भगवान के नाम लेते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के नाम को सर्वत्र प्रचार प्रसार करते हैं। जैसे आप लोग देखो गला में कंठी माला तिलक भक्ति कर रहे हैं। बोले किसने प्रचार किया? वैष्णव लोगों को प्रचार किया, तभी तो आप लोग भक्ति में आए हो, हैं? आप भक्ति में आए, आप भक्ति करते हो। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं अगर एक व्यक्ति को समझा बुझा करके उसको भगवान की शुद्ध भक्ति में लगा दो, केवल एक व्यक्ति को, बोले उसमें कितने पुण्य है, उसमें कितने पुण्य, उसमें बोले करोड़ों करोड़ों हॉस्पिटल कोई खोल दे, करोड़ों करोड़ स्कूल कॉलेज कोई खोल दे, कोई अन्न छत्र खोल दे, उसमें जो पुण्य है एक व्यक्ति को अगर शुद्ध रूप में भगवान की भक्ति में लगा दिया, कोटि कोटि गुण से उससे भी ज्यादा पुण्य है, हैं? उससे भी पुण्य है एक व्यक्ति को अगर प्रभु की भजन में लगा दी, क्योंकि हम सब भगवान के औलाद हैं, लेकिन भगवान को भूल करके संसार में भटक रहे हैं। अगर कोई भगवान के बेटे को अगर फिर वापस ला करके भगवान की सेवा में लगा दे, पिता तो खुश हो जाएगा, भैया मेरे बेटा तो मेरे से विमुख हो गया था, अबाला हो गया था, लेकिन तुमने मेरे बेटे को फिर बुला करके मेरे पास में ले आए, भगवान सबसे ज्यादा उसमें प्रसन्न होते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं इससे बड़ी दया जगत में और कुछ नहीं, बड़ी दया। इसलिए कहते जो मेरे नाम को गुण को लीलाओं को प्रचार करते हैं दुनिया में, अगर उसको चरण में कोई अपराध करेगा तो भगवान खुद कहते हैं अगर मेरे हाथ भी कभी वैष्णव का विरोध में अगर मेरे हाथ भी कभी जाए ना, मैं अपना हाथ कभी माफ नहीं करूंगा, अपना हाथ भी काट दूंगा। भगवान कहते हैं मेरे अपना हाथ कभी मैं
काट डालूंगा अगर कभी मेरे भक्त का विरोध में मेरे हाथ अगर कभी चले जाए। मतलब भगवान वैष्णव को इसलिए कहते ना वैष्णव हृदय सदा गोविंद विश्राम गोविंद कहिन मन मम वैष्णव करा। कहते वैष्णव जो भक्त है कि मेरी प्राण है मेरी ये प्राण है, इसलिए जब उनके चरण में अपराध हो जाए फिर तो भगवान भी नाराज हो जाते हैं, ठाकुर जी भी नाराज हो जाते हैं। इसलिए सनातन गोस्वामी बोले देखो लगता है किसी वैष्णव चरण में तुम्हारी अपराध हो गई है। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले एक काम करो, अब किसकी चरण में अपराध हुए तो बताएंगे, बहुत सारे वैष्णव यहाँ, एक काम करो तुम घर में एक उत्सव मनाओ और सब वैष्णव को निमंत्रण दो, हमारे घर में आज निमंत्रण है। अभी तुम्हारे ऊपर में जो प्रसन्न हो तो स्वीकार करेंगे, अभी जो प्रसन्न नहीं है ना कोई स्वीकार नहीं करेगा। तो उन्होंने गए सब वैष्णव को निमंत्रण दिया, सब लोग को स्वीकार किया। लेकिन जब इनको पास में गए बोले भैया आप इतने बड़े व्यक्ति हैं, आप इतने बड़े व्यक्ति हो, आप हम थोड़ी आपको उत्सव में जाने का लाए, हम तो लंगड़े लुढ़े व्यक्ति हैं, इसलिए आप इतने बड़े महान हम नहीं जा सकते। बोले भैया यहीं पर काटा गड़ी यहीं पर काटा गड़ी है। इसलिए तब उन्होंने याद आया उसी दिन जब मैं भगवत लीला स्मरण करते हुए मैं हंस रहा था उसी समय में ये सामने होते हुए ये जा रहे थे। फिर तो उन्होंने माफी मांग लिया। बोले देखो संत मैं प्रभु को लीला देख करके स्मरण करते हुए मैं हंस रहा था, नहीं तो आपको देख करके नहीं हंस रहा था, इसलिए आप मेरे अपराध को माफ कर दो। देखो सनातन गोस्वामी कितने बड़े साधु है, भगवान जिनसे डायरेक्ट बात करते थे, जैसे नमक मांगते थे सब्जी मांगते थे हैं, भगवान जिनको दर्शन दिया फिर उन्होंने माफी मांगी। बोले अपराध को माफ कर दो, फिर उन्होंने मेरे फिर तो मेरी अपराध आपकी चरण में हो गई, क्योंकि आप तो लीला स्मरण करते हुए हंस रहे थे, मैं आपको पर बिना कारण से आपको पर में दोषारोप किया, मेरी भी अपराध हो गई। फिर दोनों को चरण में प्रणाम करते हुए माफी मांगे, फिर हृदय उनकी सरस हो गया, हृदय उनकी सरस हो गया, फिर भगवत लीला स्मरण के लिए। यहाँ पर शिक्षा देते हैं ये दोनों ही वैष्णव है, ये सनातन गोस्वामी का अपराध हो ही नहीं सकता, ये रूप गोस्वामी की अपराध हो ही नहीं सकती। लेकिन ये लोग शिक्षा के लिए उन्होंने हम लोगों को शिक्षा देने के लिए ना यहाँ पर उन्होंने ऐसे लीला उनको की है। इसलिए मेरे गुरुदेव कहते हैं भक्ति करते 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 हमें सावधान होकर के हमें भक्ति करनी चाहिए। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कहते कहार ना करे निंदा कृष्ण कृष्ण बोले अजय चैतन्य सही तारी भी कह ले। महाप्रभु बहुत बड़ी अच्छी बात बताते हैं, वो कहते हैं जो व्यक्ति किसी के भी कभी निंदा चुगली नहीं करता है, किसी के भी नहीं है, बोले देखने पर भी कि आप नहीं बोलनी चाहिए, बोले तब भी नहीं बोलनी चाहिए, हाँ वही बोल सकते हैं उनको ऊपर जिनकी स्नेहा है, जिनकी सचमुच से अगर कोई व्यक्ति गलती कर रहा है, लेकिन अगर कोई सचमुच से उसको सुधारना चाहते हैं, जैसे गुरुवर्ग हैं, अगर हमारे अंदर में कोई गलती चीज देखेंगे, अगर वो हमें सुधारना चाहते हैं, हमारी सुधारना चाहते हैं, कोई बोल सकते हैं, जैसे तैसे व्यक्तियों को बोलनी नहीं चाहिए है? नहीं बोलनी चाहिए। इसलिए जो व्यक्ति कभी किसी की निंदा चर्चा नहीं करते हैं, इसलिए महाप्रभु कहते हैं जीवे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान, कहते हर जीवों को सम्मान देनी चाहिए, क्योंकि सभी के हृदय में भगवान की निवास है, ठाकुर जी सबके हृदय में ठाकुर जी की निवास है, इसलिए हर जीव को सम्मान देनी चाहिए। इसलिए जो व्यक्ति किसी की कभी निंदा चर्चा नहीं करते हैं, हर समय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। आज दिन रात भजन करते हैं, बोल अजय अजय मतलब जो
जितना बड़ा कठिन है, जिसको जितना बड़ा कठिन, लेकिन भगवान ने रसरूप हो जाए, ठीक है। इसलिए अपराध से रहित होकर के हर समय भगवान के नाम में ग्रहण करने चाहिए। बोले हरे कृष्णा 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 हरे।